क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे लंबा डैम इंडिया में है? क्या आपको पता है कि इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है? या फिर क्या आपको पता है कि इंडिया का ओल्डेस्ट डैम कौन सा है? नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिलीव में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, राइट? सो हमारा आज का टॉपिक है मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड देयर बेनिफिशियरी स्टेट्स। सीधे सीधे कह लीजिए, कौन कौन सा डैम कहाँ पे है, कौन सी नदी पे बना है, एक दो से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है, राइट? तो सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा फेमस डैम के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा है? भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो कौन से स्टेट में है ये, ठीक है? तो ये तीन स्टेट्स में है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इन तीनों का जॉइंट वेंचर है इंडियाज बिगेस्ट प्रोजेक्ट। इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। 1325 या 1325 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। सेकंड हाईएस्ट डैम है इंडिया में, इसकी हाइट है 226 मीटर। अब अगर ये सेकंड हाईएस्ट डैम है तो प्रॉपर हाईएस्ट डैम कौन सा है इंडिया में, देखिए उसको देखने के लिए आपको वीडियो पूरी की पूरी देखनी पड़ेगी। आपको बीच बीच में डैम्स मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट नॉलेज उनसे रिलेटेड मिलती रहेगी। तो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट हो गया, पंजाब हरियाणा और राजस्थान का जॉइंट वेंचर हो गया, इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, कैपेसिटी होगी 1325 मेगावाट, 226 मीटर इसकी हाइट है और इसी के साथ ही सेकेंड हाईएस्ट डैम है इंडिया में, राइट? तो भाखड़ा नंगल हो गया। अब हम सेकेंड पढ़ेंगे हीराकुंड प्रोजेक्ट। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इसके नोट्स बना लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वही मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में वही कवर किए हैं। गूगल पे ढूंढने को आपको कई मिल जाएंगे, सैकड़ों मिल जाएंगे, ठीक है? तो फिर वहाँ से पढ़ना क्या है, क्या याद करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे पेपर पेन लीजिए, उठाइए और नोट्स बनाना तैयार कर दीजिए, ठीक है? सेकेंड आता है हीराकुंड प्रोजेक्ट। हीराकुंड प्रोजेक्ट उड़ीसा में है, ठीक है? कौन सी नदी पर बना है? महानदी नदी पर बना है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम, पूरी दुनिया में सबसे लंबा प्रोजेक्ट है हीराकुंड डैम, जो कि उड़ीसा में है। कितना लंबा है? 4801 मीटर। समझते हैं? 4.8 किलोमीटर। नहीं समझ आता तो 5 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है हीराकुंड प्रोजेक्ट, ठीक है? बट आपको ऐसे ही स्पेसिफिकली याद करना है, राइट? थर्ड आता है कलनाई डैम। ये है कावेरी नदी के तट पे बना है, तमिलनाडु में सिचुएटेड है, ओल्डेस्ट डैम है इंडिया में, सबसे पुराना डैम है इंडिया का, या फिर कह लीजिए फर्स्ट डैम इन इंडिया। भारत देश में जो पहला डैम बना है वो कलानाई डैम है, ठीक है? ऑल्सो कॉल्ड ग्रैंड एनिकट, इसको ग्रैंड एनिकट के नाम से भी जाना जाता है, राइट? तो हमने तीन बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स पढ़ लिए, भाखड़ा नंगल पढ़ लिया, हीराकुंड पढ़ लिया, कलानाई पढ़ लिया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से डैम्स आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में जो डैम आ रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस टर्म में है, चलिए वो भी देखते हैं। सो फोर्थ हमें पढ़ना है टिहरी डैम। टिहरी डैम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों अभी देखते हैं। पहली बात, उत्तराखंड में है, दूसरी बात भगीरथी नदी के तट पे बना हुआ है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है हाईएस्ट डैम इन इंडिया। भारत का हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम। सेकेंड हाईएस्ट हमने कौन सा पढ़ा था? भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट पढ़ा था। टिहरी डैम की हाइट कितनी है? 261 मीटर्स, और भाखड़ा नंगल की हाइट कितनी है? 226 मीटर्स। टिहरी डैम को रॉकफिल डैम भी कहा जाता है, ठीक है? आगे चलते हैं नंबर 5। अब आता है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। अब देखिए दामोदर नदी को हमने कई बार पढ़ा है, जब हमने रिवर्स पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि दामोदर को बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल, कोसी को बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार, इस तरह से हमने पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा, ठीक है? तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहाँ पे है? अब ऐसा नहीं सोचना ये बंगाल में, ठीक है, ये झारखंड में है। एम क्या था इसका? इन ऑर्डर टू कंट्रोल फ्लड्स। देखिए आप दोनों चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। सौरो ऑफ बंगाल क्यों कहते थे? क्योंकि इस नदी की वजह से बहुत सारे फ्लड्स आते थे। अब इसके ऊपर एक बांध बना दिया गया है जिससे जो भी फ्लड्स थे उनको कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है? तो अब कहते हैं ना कि अब जो है दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल और कोसी को सौरो ऑफ बिहार के नाम से नहीं जाना जाता है, ठीक है? क्योंकि अब तो वो खुशियाँ लेकर आती हैं, मतलब जो भी प्रोडक्शन है खेती बाड़ी उसमें हेल्प करती हैं, तो ऐसा कहते हैं कि अब इनको सौरो ऑफ बंगाल या बिहार नहीं कहा जाता है। तो चलिए दामोदर वैली प्रोजेक्ट भी हो गया। नेक्स्ट आता है चंबल वैली प्रोजेक्ट। जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। ये भी तीन स्टेजेस में बना हुआ है, ठीक है? फर्स्ट स्टेज में इसमें बना गांधी सागर डैम, सेकेंड स्टेज में बना राणा प्रताप सागर डैम, थर्ड स्टेज में बना जवाहर सागर डैम। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जवाहर सागर डैम कहाँ पे है, ये गांधी सागर डैम कहाँ पे है, तो उसका आंसर भी सेम ही होगा, ठीक है? चंबल वैली प्रोजेक्ट हो गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
देखिए अभी तक जो हमने प्रोजेक्ट पढ़े ठीक है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें जानने थे, इसलिए हमने उनको थोड़े इलैबोरेटिव फॉर्म में पढ़ा है। लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सिर्फ इनका इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट में है, कौन से रिवर में है, एंड दैट्स इट। तो हम आगे वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको हम इसी फॉर्म में पढ़ेंगे। अब आता है रिहान प्रोजेक्ट। ये सोन रिवर पर बना है, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है, राइट। इनमें से एक भी प्रोजेक्ट आपने नहीं छोड़ना है, ये सारे बिलीव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कोसी जो है कोसी नदी पे बिहार में है, मीनाक्षी जो है वो मीनाक्षी नदी में वेस्ट बंगाल में है, ककरपारा जो है ताप्ती रिवर गुजरात में है, निज़ाम सागर जो है मांझरा रिवर तेलंगाना में है, और जो नागार्जुन सागर है ये कृष्णा रिवर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आपने एक भी प्रोजेक्ट नहीं छोड़ना है, इनको एज इट इज़ नोट्स बनाने, क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा 90%, राइट। सो तुंगभद्रा प्रोजेक्ट कहाँ है, तुंगभद्रा नदी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में है। टाटा हाइडल स्कीम कहाँ है, भीमा रिवर महाराष्ट्र में है। शरावती हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ है, जोग फॉल्स कर्नाटका में है। फरक्खा रिवर प्रोजेक्ट कहाँ है, गंगा नदी पे बना है वेस्ट बंगाल में। उकाई रिवर प्रोजेक्ट कहाँ है, ताप्ती रिवर गुजरात में है। सलार रिवर प्रोजेक्ट कहाँ है, चिनाब रिवर जम्मू एंड कश्मीर में है। बगलीहार कहाँ है, ये भी चिनाब रिवर जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर है कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। देखिए एज इट इज़ आपने एक बार नोट्स बना लेना, फिर आपको बार बार कहीं से PDF चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो टेंशन ही रहती है, ठीक है। ऐसा है तो एक बार नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। माताटीला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट या माताटीला, देख लेना आप प्रोनाउंसिएशन, ये बेतवा रिवर MP और UP में है। थीन, ये भी आता है, हम थीन और टिहरी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, सॉरी थीन और टिहरी में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। तो थीन जो है रावी रिवर पंजाब में है और टिहरी उत्तराखंड में है, राइट। पोंग डैम है पंजाब हिमाचल इन दोनों स्टेट्स में, ब्यास नदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैंने अपने चैनल पे पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स और इसी के साथ में नेशनल मूवमेंट के हैंड रिटन नोट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स की वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा अपलोड करके रखी हैं। उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है प्लेलिस्ट का, आप चाहें तो मेरे नोट्स की हेल्प ले सकते हैं अपनी नोट्स मेकिंग में। प्लस इंडियन ज्योग्राफी एंड मिडिवल इंडिया हम साथ साथ में साइमल्टेनियसली कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए इन शॉर्ट आप जनरल स्टडी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कोई अपडेशन चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। एंड फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट जैसे कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।